राजनीति के मैदान में कुर्सी का लालच ऐसा कि 2019 चुनाव में हर कोई अपना झंडा गाड़ना चाहता है। इसके चलते हर जगह उपचुनाव का माहौल है। भले ही बीजेपी की सत्ता 30 राज्यों में बरकरार हो और भले ही बीजेपी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा हो, लेकिन केरला के उपचुनाव में बीजेपी की डिजिटल टेक्नोलॉजी धरी के धरी रह गई। 28 मई को हुए यहां उपचुनाव में ईवीएम मशीन लोकतंत्र में फंसी हुई नजर आई। इतना ही नहीं बल्कि वोट देने आए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था। इसके चलते लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कई लोग बिना वोट दिए घर लौट आए, लेकिन विपक्षी पार्टी के लिए तो यह मुद्दा किसी जंग से कम नहीं था। इस दौरान विपक्षी पार्टी ने बीजेपी को कई तरह से घेरा, कभी बजट को लेकर तो कभी 4 खराब ईवीएम मशीन को लेकर। खैर अब 2019 के चुनाव ही बताएंगे कि राजनीति के मैदान में हवा किस ओर रुख करेगी।